राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरे करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। हालांकि राहुल को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वो अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेंसन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल ने 2019 में क्या बयान दिया था? राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499-500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि 2019 में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से ये कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर दायर मानहानि के मामले में दोषी करार देते 2 साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 लोकसभा चुनाव से पहले यह बयान दिया था। कोर्ट ने राहुल को 15,000 रुपए के निजी मुचकले पर जमानत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी ऊपरी अदालत में सजा को चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने अपने 170 पेज के फैसले में कहा कि आरोपी खुद सांसद संसद सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी आचरण में कोई बदलाव नहीं आया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से जुड़ेंगे खबर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ।